हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पैर में वैक्स कैसे करना चाहिए यदि आप घर में करते हैं तो, और यदि आप प्रोफेशनल हैं तो। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग सारे पार्लर में वर्क करते हैं, आपका खुद का पार्लर है या कहीं पार्लर में वर्क करते हैं, या फिर आप घर में बैठ करके ये सारे काम को करते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे ये कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोग को उसी के हिसाब से बता सकूँ, मैं प्रोफेशनली बताऊँ या फिर आप लोग को घर के हिसाब से बताऊँ। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि वैक्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है। एक वैक्स हीटर का होना ज़रूरी है, वैक्स होना ज़रूरी है, वैक्स स्पैटुला ज़रूरी है, और आपको एक वैक्स स्ट्रिप चाहिए और टेलकम पाउडर चाहिए, साथ ही आपको टोनर या मसाज क्रीम भी चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे मैं आप लोग को बता रही हूँ कि वैक्स को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसे सिर्फ मेल्ट करना है। ज़्यादा गर्म होने से वो स्किन को जला सकता है, रसे जा सकते हैं, इसलिए आप उसे ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। काम करने के पहले आप कस्टमर को एक एप्रन वेयर करवा देंगे और उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। गाइस, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ वैक्स से रिलेटेड, तो आप इसे मिस नहीं कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर आप आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी जानकारियां आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। चलिए देखते हैं पूरे वीडियो को लास्ट तक। यहाँ पे सबसे पहले मैं टेलकम पाउडर को यूज़ कर रही हूँ। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि टेलकम पाउडर को यूज़ करना है और किस तरीके से यहाँ पे अनवांटेड हेयर को निकालना है। तो मैं यहाँ पे पैर के हेयर को निकाल रही हूँ। तो यह है, तो इस ये हेयर का ग्रोथ जो है ये डाउनवर्ड में है, तो हम लोग को जब भी यहाँ पे वैक्स यूज़ करेंगे तो डाउनवर्ड में लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि सबसे पहले वैक्स को लेना कैसे है। इस तरीके से इसमें डिप करना है और ये इस तरह से घुमाते हुए लेना है, ऐसे नहीं लेना है, इस तरीके से नहीं लेना है, ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल ये गलत तरीका है। तो इस तरीके से नहीं लेना, ये लेना है और इसे इस तरह से घुमाना है ताकि आपके कस्टमर का भी बॉडी गंदा नहीं हो और कहीं भी कुछ गिरे नहीं। तो इस तरीके से वैक्स को पहले लेना है और इसके बाद आपको जिस जगह का भी हेयर रिमूव करना है उस जगह पे लगाना है कुछ इस तरीके से। और जब भी वैक्स को लगाना है तो एक बार में खींच देना है, कभी भी आप उसको इस तरह से लगा के छोड़ेंगे नहीं और बार बार उसके ऊपर नहीं चलाएंगे। अगर एक के ऊपर एक बार बार चलाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हीटेड है और उसके बाद इसके ऊपर बार बार जब वैक्स चलता है तो अंदर से स्किन से पसीना आना स्टार्ट होता है, तो फिर वैक्स अच्छे से नहीं निकलेगा, मीन्स से हेयर रिमूव नहीं होगा। देन यहाँ पर मैं लोगों को बता रही हूँ कि वैक्स स्ट्रिप को कैसे यूज करना है। तो वैक्स स्ट्रिप को पूरा इस तरह से नहीं लगाना है, अगर ऐसे लगाते हैं तो क्या होता है, आपका हाथ भी गंदा होता है, वैक्स पट्टी पूरा एक बार में ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्किन को इस तरीके से टाइट करना है और वैक्स पट्टी को इस तरीके से, स्ट्रिप्स को इस तरीके से यहाँ पे प्रेस करना है, नीचे की तरफ से स्टार्ट करना है और इसे झटके से घीस देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेयर रिमूव हो गया है। फिर इसी पट्टी को, इसे स्ट्रिप्स को आप ऊपर की तरफ डालेंगे और इस तरीके से आप रिमूव करते जाएंगे। आपको यहाँ पे केयरफुली ध्यान देना है कि आप स्किन को हमेशा ऐसे पकड़ेंगे, अगर ऐसे नहीं पकड़ते हैं तो क्या होता है, स्किन में रसेज आ सकता है, यहाँ पे दाना आ सकता है, जो कि क्या होगा, प्रॉब्लम करेगा। इसलिए दाना आ जाएगा तो फिर कोई भी आपके पास वैक्स करवाने है अपने बॉडी को सुंदर करने के लिए, और वहाँ पे जब दाना आ जाएगा तो काफ़ी दिन तक रहेगा, जो कि उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से स्ट्रेच करना है, देन पट्टी को चिपकाना है, देन उसे खींच देना है झटके से। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी यहाँ चिपचिपाहट नहीं है और ये हमारा ये स्ट्रिप्स कितना गंदा हुआ इतना, और इस स्ट्रिप्स को फिर से इस तरह से रिमूव कर लेना है। इससे क्या होगा, आप जब काम कर रहे हैं तो आपका हाथ भी गंदा नहीं हुआ और ये भी कस्टमर का भी बॉडी पार्ट गंदा नहीं हुआ और आपके हेयर पूरे अच्छी तरह से रिमूव हो गए। तो इसी तरीके से बाकी भी काम करना है। मैं यहाँ पे आप लोग को फिर से बता रही हूँ कि किस तरीके से करना है। वैक्स को लेना है और हेयर के डायरेक्शन की तरफ आपको वैक्स को फैला देना है, जहाँ तक वैक्स फैल सके वहाँ तक उसे यहाँ ले जाना है, जैसे मैं नीचे तक लेके आ रही हूँ। फिर से मैं सेम प्रोसेस बता रही हूँ, तो आप लोग फिर से ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर वैक्स पट्टी को आप इस तरह से फोल्ड कर चुके हैं, तो फिर से यहाँ पर सेम प्रोसेस, थोड़ा सा प्रेस,
स्किन को पीछे से खींचना है, फिर वैक्स स्ट्रिप को झटके से खींच देना है। अगर आप फास्ट काम करना चाहते हैं देन मैं अभी बता रही थी कि किस तरीके से काम करना है, किस तरह से हेयर को रिमूव करना है, बट आप फास्ट काम करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे अभी मैं कर रही हूँ। यानी कि मैं कुछ थोड़े ज़्यादा एरिया में वैक्स को लगा ले रही हूँ और इसे थोड़े से स्पीड में आपको काम करना है। इस तरह से क्या होगा, क्लाइंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं पता चलेगा और काम भी आपका फास्ट हो जाएगा। मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं उन्हें ये वैक्स पैर का वैक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि पीछे का साइड जो है वो नहीं, सामने से नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कस्टमर को थोड़ा सा ऐसे मूव करवा देना है जिससे आपका पीछे का पूरा पोर्शन दिखाई दे। प्रोसेस सेम है, नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्ट्रेच करेंगे और झटके से इस साइड से मैं कर ली। अब थोड़े बहुत जो बच गए हैं मैं इस साइड से देख लेती हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि वो पूरे हेयर इजीली रिमूव हो जाएंगे। आप कस्टमर को आराम से चेयर पे बैठा के कर सकते हैं, आपको उठाना नहीं होगा उनको। यदि आपके पास बेड नहीं है तो आप चेयर पर भी ये काम ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा पैर यहाँ पे लेग क्लीन हो गया है और ये नीचे का पोर्शन है तो नीचे के पोर्शन में भी हेयर होते हैं। हो सकता है कि आपके क्लाइंट के पैर में नीचे वाले में हेयर ना हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उसे छोड़ देना है, आपको उसके ऊपर भी वैक्स को यूज़ करना है बिकॉज वहाँ पे डेड स्किन होते हैं। तो आप ये वैक्सिंग क्या है, वैक्सिंग हमारे अनवांटेड हेयर को तो रिमूव करता ही है, साथ ही क्या करता है, साथ ही वो डेड स्किन को हटा, स्ट्रिप निकल गया तो इससे घबराना नहीं है। क्या है, उसको आप ईजिली हटा दीजिए और फिर से आप वैक्स को लगाइए, वैक्स स्ट्रिप। मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि क्या करना है, हेयर डायरेक्शन में वैक्स को लगाना है और अपोजिट डायरेक्शन में उसे तेज़ी से हटा देना है। तो इस तरीके से जितने भी हेयर हैं अनवांटेड हेयर जिसे आप हटाना चाहते हैं वो हट जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये वन लेग कंप्लीट हो गया, सेम इसी तरीके से दूसरे पैर में भी करना है। तो हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसे एक साफ़ टॉवल से हैंकी से रिमूव कर लीजिए जिससे कि जो भी चिपचिपाहट है वो हट जाए। देन आप टोनर यूज़ कीजिए या फिर क्रीम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टोनर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज टोनर एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। सेम यही प्रोसीड्यूर नेक्स्ट लेग में भी होगा, वो पैर रखो, दोनों साथ में रखो। तो आप देख सकते हैं कि ये चेंजिंग आता है वैक्स के बाद, ये हेयर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे रिमूव हो गए हैं, साथ ही यहाँ से डेड स्किन भी हट गए हैं, तो ये कितना क्लीन दिख रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पैर में वैक्सिंग हो गई है और कितना स्मूथ और क्लीन दिख रहा है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ अच्छी जानकारी मिल सके। थैंक यू।